I mean, I'm not a sex therapist, so I was quite uh, I am not sure how to handle this one. but uh But Ina Masala, Masala. Okay. Uh, so, okay. Hmm. I started watching porn in 2020. Okay. And in that there was some porn related to making out with stepbrother, stepfather, and close family members. Mm -hmm. I used to enjoy it fictionally and masturbate to it. But now mm -hmm. I get some thoughts of having sex with my brother. And I asked her, is it your uh, cousin or step? She said, No, yeah. real brother. Yeah, yeah, I know yeah. that they aren't true, but still they just terrify me a lot. They are ruining my mental peace. Whenever I'm free and alone, I get a lot of them. And especially mm -hmm. when I'm with my brother, I'm not with him, but with those scary, untrue thoughts. And mm -hmm. now these thoughts are very, very repetitive and destroy my relationship with my brother. The charm and the sweetness is slowly fading. Um, yeah, I need you to discuss this on the podcast because a lot of people watch porn and step family porn, and is really prevalent. A lot of yeah. my guy friends also fantasize about MILF teachers, aunties. I have never told anyone because they may think I'm uh, being they will judge me. 100, yeah, so yeah. See, this topic is never spoken of. I mean, it's one of those absolutely no, we've, we've, we've talked and talked about it a lot.

जैसे हो गया इंसेस्टुअस पॉर्न या इंसेस्टुअस ख्याल रियलिटी में जितने लोग भी हैं जो सुन रहे हैं और आप भी एक बार सोचिए वापस वही आते हैं अध्ययन करो अपने दिमाग में कि एक्चुअल में व्हाट इज स्टॉपिंग अस हमारे दिमाग में नथिंग बट सेल्फ कंट्रोल यू नो लाइक ऐसा कुछ नहीं है सोसाइटी प्रेशर आल्सो राइट वी हैव बीन ब्रॉट अप विद दैट कि इट्स टैबू एंड इट्स नॉट इवन बिसाइड्स अ जेनेटिक थिंग दैट व्हेन कजिन्स एंड फैमिली मेंबर्स यू गेट डाउन सिंड्रोम एंड व्हाटएवर द

आपको सिंपल नहीं करना It's as simple as that. यहाँ पे कोई इंसान नहीं जो देख रहा है अभी और आगे भी जिसने एक ना एक ना एक बार आई एम अबाउट यंग पीपल अभी की ठीक है mm -hmm. कोई, कोई ना कोई पोर्न ऐसी ना देखी हो जहां पे ऐसे सिनारियोस ना चल रहे हो सॉरी चल रहे हो सबने देखी होती है क्योंकि इतनी कॉमन पॉर्न है ये द क्वेश्चन इज

<laughs> थी मैं, मेरी कहीं और ही चल रही थी ठीक है so, तो oh. मिलती थी बहुत ही हाँ, मतलब हाँ. अब समझ लाइक यू नो कोई बैठा है और किताबें ला बैठा है रेलवे स्टेशन में लखनऊ की बात कर रहा हूँ मैं okay, okay. Yeah. सो so, सब पे मिलती थी स्टेशन पे बड़ा कॉमन होता था कि आप अगर देखोगे तो एक यहाँ पे को नीचे लगा के पूरा मैगजीन का बैठा तो हाँ, तो हाँ. पता नहीं, नहीं क्या देख रहे थे मुझे नहीं, नहीं, नहीं वो तो रेलवे स्टेशन के स्टॉल्स हो गए स्टेशन के अंदर जो हो गए स्टॉल्स जिसमें सारी मैगजीन मिलती थी आपकी ठीक है वो पर्टिकुलर स्टॉल्स होते थे और अगर आप रेलवे स्टेशन जब जा रहे होते थे ना तो हाँ। आप जैसे पार्किंग स्टेशन ये सब आने गए पार्किंग स्टेशन या जो भी है इसमें ऑटो खड़े हैं कार लोग पार्क कर रहे हैं वहीं तुम्हारे बगल में कोई चना बेच रहा है वो बेच रहा है उसी के बगल हाँ। में कोई लगा तो के बैठा देखा तो हम लोग वो खरीदते थे क्योंकि नवी का तो क्लास में आके पढ़ते थे सब लड़के के झुंड में भी क्लास जब चल रही होती थी तो पीछे हम लोग किताब खोल कर एक पढ़ सब के सुन रहे हैं हंस रहे हैं ठीक है बहुत ग्रामेटिकल एरर्स होते थे उसमें बहुत ही डम होती थी लेकिन मजा आता था मतलब <laughs> अभी लड़के हैं हम लोग ठीक है हाँ. अभी मुझे इसलिए चीज याद है क्योंकि जितनी भी हमने कहानियां पढ़ी है जब पढ़ते थे क्योंकि आई यू टू रीड क्योंकि जो पढ़ता था होता है ना रीडिंग में भी वो ना चाहिए हुँ. एक फ्लो सो दे ऑल अराउंड आई जस्ट दैट या रियली या बैक देन ये कहानियां हो गई अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कहानियां कौन पढ़ता था हम ये कह सकते हैं लेजे पॉन के पहले ये सब पॉन पे ब्लेम कर देते हैं से पहले ये ख्याल या फिर ये किताबें या फिर ये तरह तरह की मेंटल तो कोई कंज्यूम ही नहीं करता था नॉट नेसेसरी ट्रू क्योंकि तब लोग किताबें पढ़ते थे ये सारी सेक्स वाली जो थोड़ा से इनके पास पैसा है वो तुम्हारी मैगजीन्स पढ़ते थे तुम्हारी मैगजीन आती थी ना इसकी मुझे याद नहीं आई प्ले बॉय थी और एक और भी थी, 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 थी तुम्हारी पेंट हाउस पेंट हाउस पेंट हाउस तुम्हारी वो पढ़ते थे वो बैठ के मुझे पेंट हाउस ही पढ़ी नहीं है पेंट हाउस में भी दबा के इनसे स्टोरीज थी

अलग हो गया वो है यूट वेट टू डीप इन टू दिस एज सिंपल इज दैट मे भी कितने लोग हैं कितनी औरतें हैं कितने आदमी है सबकी बात कर रहा हूँ जो कि अपनी, अपनी जो भी टाइप की चीज है जो देख के उनको टर्न uh, ऑन होता है दे लुक एट इट दे डू देयर बिजनेस एंड देन दे मे बी मूव ऑन यस एंड मे बी उनका जो रेगुलर regular, रेगुलरिटी है वो है मंथली क्योंकि मैं अभी पूरी रिसर्च पढ़ रहा था पॉन पे mm. अरे हाँ अभी याद आया मेरे को बहुत तगड़ी लंबी रिसर्च पढ़ रहा था पॉन एडिक्शन इन सब चीजों पे उसमें ये लिखा था कि एक्चुअली अमेरिकन की तुम्हारे बिहेवियर और सब पे देख रहे थे वो उसमें ये दिख रहा था कि मंथली सब देखते हैं बहुत तगड़ी पॉपुलेशन एक्चुअली एज अपोज टू जो हम सोचेंगे ना बॉन्ड एडिक्शन में लोग कहेंगे हमें है हमें है उसका ऑपोजिट आई रिसर्च में जो स्टडी उन्होंने कंडक्ट करी कि लोग कह रहे हैं और मजे के लिए लोग काफी लोग देखते हैं so, सो मंथली आप देख रहे हो बैक टू दिस पर्सन ठीक है और आप मोस्ट लेक टाइप के बॉन्ड देखते हो लेकिन आपकी जिंदगी में चार चीजें हैं राइट right? आप वो कर रहे हो वो कर रहे हो और महीने में एक बार दो बार देखते हो आपका कुछ नहीं होने वाला बिकॉज वो चीज पे आपका कभी कंट्रोल नहीं रहा एंड दैट्स योर थ्रिल राइट दैट्स योर थिंग तुम यहां पे द थिंग विद दिस पर्सन इज शी वन थिंग आई डोंट थिंक लाइफ में बाकी चीजें कितनी चल रही हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दूसरे फैक्टर्स क्या जो आपकी लाइफ के टाइम मैनेजमेंट में गवर्न कर रहे हैं डे टू डे अगर आप बिजी हो फॉर फ कोई इंसान कॉम्पिटिशन लिए पढ़ाई कर रहा है sure रहे हैं प्रीशर वो प्रायोरिटी आपके दिमाग में रहेगी और आपको पुश करती रहेगी ये करना है वो करना है वो करना है हो सकता है आपको टाइम ना मिले सोचने का भी बट अगर आप खाली बैठो आप इसको तो ज्यादा प्रायोरिटी देके बैठे हो तो आप इसको सबसे बड़ा प्रीडोमिनेट थॉट बना के बैठ गए खुद ही अपने दिमाग में जो इस इंसान ने कर लिया है so, सो आपको यहाँ पे ये नहीं करना कि पहला मैं मेरे लिए कोई डिसऑर्डर है सेल्फ यू नो डीमेशन जो कि हम श्योर ये इंसान हो सकता कर ले क्योंकि उसको लग रहा है कि इस पर मैं पहले किसी से बात नहीं कर सकती जजमेंट होगा मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग होते हैं जो हो सकता है आप किसी, किसी, किसी you know, में सबके दिमाग में कुछ फकडप है, हाँ है कुछ कुछ क्वेश्चन इज हम उस वकडअपनेस के साथ किस लेवल की रिलेशनशिप बनाए बैठे हैं अगर आप उस वकडअपनेस को हावी होने दे रहे हो अपने आप पे सो so ऑफकोर्स आपको लगेगा ये सोसाइटल यू नो जो भी हम नॉर्मल जिंदगी में जी रहे हैं उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है तो मैं इसलिए थोड़ा सा यू you नो know, अगर मैं आउट हो जा रहा हूं तो मैं प्राया बन जाऊंगा वो नॉर्मल है ऑब्वियसली हो जाओगे तो तुम्हें यहां तक देखना है ना कि भाई इसको मैनेज कैसे करना है सो तो जहां तक फैंटेसी वाली प्रॉब्लम है दोस्त डिमिनाइज मत करो अपने आप को लड़की परेशान मत हो एक महीने में एक बार अलाउ करो अपने आप को

तो उसके दिमाग में वो थॉट अब रियालिटी में आ रहे हैं दैट्स थिंग यहां पर कितने लोग होंगे जिनकी सिस्टर्स होंगी क्योंकि स्टेप सिस्टर देख के चूंकि सोचा भी है बट जब वो, तो वो पौन देख के बंद करी और अब रियलिटी में वो इंटरसेप्ट करने लग गए वो चीज एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड हो गया वो चीज रियलिटी में कभी एंटर ही नहीं करी तो कितने लोग हैं जो कि पौन क्या देख रहे हैं उससे उनका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है बिकॉज कौन तो इंसान डॉक्टर नर्स सेक्रेटरी पता नहीं क्या क्या अब कितने लोग हैं जिनको डॉक्टर है लेकिन तो कर रहा है कि अपनी रियालिटी में रियालिटी मैं सर्जरी अपने नर्स को काम के लिए देख रहा है सो पॉइंट ये कि ना टीचर स्टूडेंट या कुछ भी तो आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि इट्स फैंटेसी फैंटेसी वर्ड को समझो फैंटेसी इज नॉट रियालिटी तुम्हारी गलती ये हुई है कि तुम उसको हल्की सी रियालिटी यहाँ पे समझना है कि इस पे अगेन इतना ही कंट्रोल अपने अंदर लाओ बस जितना ये चीज तुम एंजॉय कर पाओ ये येमेंट तक ही रहे हम डिमिनाइज नहीं कर सकते आपको ब्लॉक नहीं करना आपको बैन नहीं करना आपके अंदर कोई चीज खराब नहीं है आप बस एक चीज में थोड़ा सा आगे चले गए हो, थोड़ा सा सा आगे आगे चले चले गए गए हो हो और उसका भी कोई रियल इफेक्ट नहीं हुआ है एंड ये इजिली फिक्सिबल है आपके दिमाग में ही आपको कोई डॉक्टर नहीं चाहिए इसके लिए बिकॉज इफ शीज इट रिप्रेस इट बेसिकली All the time, that's what is going to come to your mind, right? 100%, 100%. No matter what. So it's basically she needs to be aware and keep yourself busy, make something else your priority, exactly. get comfortable in your own skin. And sometimes, if you wish, as Shweta said, it's okay. Yeah. It's okay. Fine. But as

बेडरूम के कन्फाइनमेंट में फुलफिल हो गई जब आपने दरवाजा खोला आप अपनी रियल लाइफ में एंटर करते हो आपकी जितनी इनिबिशन जो भी आपके अंदर की चीजें हैं वो भी पूरा फुलफिल हो रहे हैं आपकी मैरिज भी सिक्योर है दैट्स अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट सो अपने यू नो मे बी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अपनेक्स अनफॉर्चुनेटली लाइफ में सेक्सुअल फुलफिलमेंट अगर आपको हंड्रेड परसेंट भी मिल जाए ट्रांसफर होगा लाइफ फुलफिलमेंट इमोशनल वेलबींग या किसी भी तरह की फुलफिलमेंट में लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है भाई सेक्स इज ओनली अ पार्ट ऑफ इट एक्चुअली बहुत छोटा पार्ट है लाइफ अगर बहुत बढ़िया चल रही है तो एक्चुअली बढ़िया होती है अगर किसी की लाइफ फक्ड है तो मैं कहना चाहता हूं तो जहां तक तुम्हारी बात है लड़की अपनी लाइफ में फोकस करो थोड़ा सा पहले प्रायोरिटी नंबर वन लाइफ में लाओ जो भी कर रही हो वहां पे दूसरा अगर तुम सिंगल हो मे बी लुक फॉर डेट इंग थोड़ा बिजी करो अगर तुम इतना टाइम है मे बी डेट सबी

Yeah. अगर ऑनलाइन आप इतना हो तो आप सिंपल टेक्सटिंग के लिए भी पकड़ सकते हो फाइन फ्रेंड्स सोशल लाइफ अपनी इंक्रीज करो आप बहुत ज्यादा टाइम अकेले हो अपने अंदर तो पहले चीज ये होगी जहां तक तुम्हारी फैंटेसी बात आई थिंक मत करो एक्सेप्ट करो फैंटेसीज ये सब चीजें बुरी नहीं है हम इंसान हैं आप हम अभी बहुत ईजिली आप मैं और हम सब लोग झुंड में किसी पे पत्थर मार सकते हैं बिहेविंग ऐसे हमें वो चीजें फील नहीं होती बट लेस बी ऑनेस्ट हम सब जैसे तुम तो हो वैसी हैं बट अलग चीजों में तो इसमें आप शर्म फील मत करो कंट्रोल कर लो थोड़ा सा समझो भी कहाँ पे वो है और तुम आराम से निकल सकते हो उस चीज में